नमस्कार भाइयों, कैसे हो मेरे भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक स्कोप लेकर आया हूँ जो लो प्राइस में है। मैं आपको उसका आज थोड़ा सा रिव्यू वीडियो दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करते तो पास से दिखाता हूँ। ये देखो, ये राइफल स्कोप है और ये बूस्ट लेने से सस्ता आता है। मतलब इसके जो अंदर के फीचर है वो मुझे ज़बरदस्त लगे हैं। अब तक ये स्कोप पहला स्कोप ऐसा है, इसके अंदर तीन प्रकार की लाइट है, बाकी मैं दिखाता हूँ बाद में, बाकी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसका बैटरी वाला मामला, इसको रखते हैं साइड में। ये वो वाला और लेंस को साफ करने वाला था और इसका स्कोप को निकालते हैं बाहर। स्कोप देखो पास से बिल्कुल, मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ। मतलब ये रबड़ के मिल जाते हैं, आपने देखा जो ज़्यादातर स्कोप में आते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, वो इधर से भी रबड़ से खींचे इधर से भी, वो परेशान होती है। या आपने जैसे यूज़ किया तो उसको लॉक कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये 3940 RGB है और इसके अंदर का बाकी मैं फीचर दिखाऊंगा। बाकी सबसे सस्ता है और इसके अंदर की जो प्लस की एक्यूरेसी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी बेस्ट है, बुशनल को फैल कर देती है। या आपका ब्लू, एक मिनट को मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला पैटर्न देखो कितना प्यारा पैटर्न चमक रहा है, ये तो हो गया ब्लू। अब और ओपन करते हैं, करो, चलो भैया राइट, होल्ड ले। अब ये बिल्कुल ऑफ हो गया। अब ये है, ये ग्रीन है दोस्तों, ये वाला ग्रीन है। और चलते हैं, देखो पूरी डार्क के साथ जला है, ये वाला ग्रीन है। देखो धीरे धीरे इसकी ब्राइट कम होगी, मतलब आपको पता है किसी भी प्रकार से कर सकते हो। और इसमें और भी दिखेगा, ये रेड है, ये देखो फुल रेड, देखो उसकी अलग ही जैसा है मामला। मतलब ये वाला पैटर्न बनता है, आपको पता है बुशनल के अंदर ये वाला इतना ख़तरनाक वाला पैटर्न नहीं बनने का, आपको पता है। देखो अब मैं और दिखाता हूँ, और घुमाओ, चलो रेड कम कम हो रहा है धीरे धीरे। अब चलाओ, ये हो गया ये ब्लू। इसका तीन प्रकार के लाइट इसमें मिल जाती है आपको स्कोप में देखने को। बाकी आपको पता है हर कोई सा भी स्कोप ले लो, उसमें तो एक लाइट मिलती है, दो बस मुश्किल से, बस ये इसकी खासियत है स्कोप की। और उसमें अंदर का आपका जो पैटर्न दिख रहा है वो देखो कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है अंदर। ये स्कोप है आपका जैसे कि आप देख रहे हो, और देखो इतना शानदार स्कोप है, अंदर की जो ब्राइट है वो आपको दिख ही रही है। तीन प्रकार के पैटर्न बन जाते हैं इसके अंदर। थैंक यू दोस्त, मतलब सस्ते प्राइस में आता है। और बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप स्कोप को सेट करते हो तो माउंट का भी थोड़ा स्पेशल ध्यान रखा करो, जो 11mm के माउंट आते हैं बिना स्टॉपर पिन के वो मत लगाए। मैं दिखाता हूँ इसमें कौन से हैं, तो खोल के तो मैंने भी नहीं देखा कौन से हैं। अरे गजब, वही वाले माउंट है जो अपने अपने भाइयों को सभी बताता हूँ वीडियो में। ये क्या, ये देखो ये माउंट होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं। ये देखो इसके नीचे अंदर इस वाले में, हाँ इसमें ये स्टॉपर पिन आता है ना, पिन आपकी राइफल में फंस जाता है, जैसे NX 200 वगैरह आती है उसमें एक पिन का होल होता है, तो उसको इसको टाइट करने से पहले, हल्का से पहले इसको अंदर से टाइट होता है, यहाँ से यहाँ पे इसका वो है, इसको ओपन करके यहाँ से टाइट हो जाता है, और फिर साइड से सारे टाइट कर दो। मतलब वो हल्का सा टाइट करो जो उसमें खांचे फिट हो जाए, फिर ये पूरे टाइट करने के बाद उसको फिर टाइट करना है। ये वाले माउंट मिल जाते हैं आपको साथ में, और आपको पता है इस वाले माउंट की जो मतलब जो क्लियर होती है आपके राइफल को, स्कोप को हिलने नहीं देती, जैसे आप फायर करते हो ना तो पूरा झटका पीछे की ओर पुश होता है। जो 11mm के सिंपल माउंट होते हैं दोस्तों वो हिल जाते हैं, और फिर हमारा निशाना आपको पता है फिर क्या होता है। कुछ भाई क्या करते हैं, देखो इस माउंट का भी प्राइस थोड़ा अलग है, बुशनल जैसे लेते हो ना यही 4-5 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होता है। कोई कोई भाई कहते हैं वही दे दो बस 4 हज़ार रुपये वाला माउंट को छोड़ो, मतलब उसको भाई को ये नहीं पता अगर आप सिंपल लोगे स्कोप का लेने का फायदा कुछ नहीं होगा। जैसे आप सिंपल लोगे वो तो फायर करने पीछे आएगा, यार इस वाले माउंट के साथ लो ना, इस वाले माउंट के साथ लो, जब पैसा खर्ची कर रहे हो तो थोड़ी इतनी बड़ी बात नहीं है यार, इतना हावी प्राइस नहीं होता। बाकी इसका प्राइस सबसे सस्ता है, इसको मैं लो प्राइस में दे दूंगा, अपनी डिलीवरी 6 दिन तक की डिलीवरी में घर पहुँच जाएगा और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं इसमें आपने अंदर के भी फीचर देख ही लिए हैं दोस्तों, और इसमें जूमिंग पूरा सेट है बिल्कुल, जो अंदर का जो मामला है पूरा प्लस की एक्यूरेसी को दर्शाता है बिल्कुल, कट बाय कट, मतलब स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कितना एंगल क्या यूज़ करना है इसमें सब दिया है। बुशनल में क्या होता है, कोई सिंपल आता है बस एक ही पैटर्न बनता है, एक पैटर्न, वो तो प्रॉब्लम ही है, वो तो स्टार्टिंग है बुशनल की, उसको मत लो। जब लो रहे हो तो यार 2 पैसे खर्च करके ले लो। और बाकी इससे भी बेस्ट स्कोप है, जरूरी नहीं है कि यही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं, एक से एक स्कोप आ रहे हैं यार। डिस्कवरी का आपको पता है नाम गूंजता है, डिस्कवरी के भी आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं पर मामला सेट कर देते हैं बिल्कुल अच्छे अच्छे बात।
ये राइफल स्कोप है, मतलब बुशनल से बेटर है, बताना चाहूंगा बुशनल से बेटर वाला स्कोप है, ठीक है। इसे मैं पर्सनल 350 मैगनम पे खुद एक टेस्टिंग के लिए चलाऊंगा, मैं करीबन ठीक ठाक वाला टाइम चलाऊंगा उसको, ठीक ठाक डिस्टेंस के लिए मैं यूज करके भी बताऊंगा इसको, ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरी अगर इस वीडियो से संतुष्ट हो तो मतलब स्कोप अगर चाहिए तो मेरा नंबर चल ही रहा है दोस्तों। बाकी अगर और कोई भी एयरगन सीरीज में कोई संबंधित बात वगैरह करनी है, जैसे निशाना नहीं लग रहा कुछ भी, तो बात कर सकते हो किसी भी मैटर पे। और उन भाई से रिक्वेस्ट है कोई भी ऐसे वैसे कमेंट मत करें मेरी वीडियो पे, और कोई भी ऐसे देसी कट्टे वगैरह मत मांगे भाई, मेरा अपना काम नहीं, सिर्फ ओनली एयरगन सीरीज का मेरा काम है, जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है जिसका पावर 20 जूल से नीचे होता है। अगर 20 जूल से ऊपर की बारे में आपको जानकारी चाहिए, कोई भी बातचीत या कोई भी टॉपिक जो पॉइंट टू को लेकर आपको परेशान कर रहा है, तो बात कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।